उसकी राइट क्रोनी आर्ट इन्वॉल्व है, उसकी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्ट इन्वॉल्व है, तो याद रखिएगा उसका कभी भी आपने स्टंट नहीं पाना, उसका बड़ा ऑपरेशन दिल का होना है, समझ रहे हैं ना, बड़ा ऑपरेशन उसका कैबेज होगा। तो आपने क्या कहना है, आप लोगों ने कहना है कि सर्जिकल ओपिनियन कार्डियोलॉजिस्ट कैबेज करेगा ये काम, ठीक हो गया बच्चों। तो होप सो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हाँ जी जनाब ये क्या होता है। अब हम आगे आते हैं और आगे देखते हैं कि आगे का क्या सीन है। तो देखिए जी आपने, मैंने इसके अंदर क्या बातें की, मैंने ये बातें की कि जो आपकी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है वो क्या काम करती है, वो एंटीरियर वन थर्ड जो होता है वो एंटीरियर टू थर्ड जो होता है इंट्रावेंटिकुलर सेप्टा उसको सप्लाई करती होती है। उसके बाद मैंने क्या कहा कि एंट्रोलेटरल जो मसल्स होते हैं उनको सप्लाई करती होती है। उसके बाद मैंने क्या कहा कि ये जनाब ये देखें कि ये क्या है, ये जनाब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल की एंटीरियर सर्फस को कौन सप्लाई करती है, आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल की एंटीरियर सर्फस को कौन सी सप्लाई करती है, आपकी लाडा, ठीक हो गया। उसके बाद मोस्ट कॉमन वेसल्स होती है जो कि ओक्लूडेड होती है। तो यहाँ पे बहुत हमने टाइम वेस्ट कर दिया है, टाइम वेस्ट तो नहीं किया लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि जो टाइम लेता है इस वजह से हमने जो आपकी पीडीए होती है वो किसकी ब्रांच है, शाबाश, जो पीडीए होती है वो किसकी ब्रांच है, आप लोगों ने कहना है कि जो पीडीए होती है वो जनाब आपकी मोर देन 85% जो ब्रांच होती है वो आरसीए की होती है, ठीक हो गया। लेकिन कुछ चांसेस के अंदर वो किसकी ब्रांच आ जाती है, वो जनाब आपकी एक तरह की लेफ्ट, मतलब के आपकी आपने कहना है कि लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी भी निकल आती है, तकरीबन 8-10% ये चांसेस होते हैं। फिर आपने कहना है कि किसी के अंदर क्या होगा, किसी के अंदर ये होता है कि ये दोनों की निकल आती है ब्रांच, ये दोनों से निकलती है पीडीए। तो आप लोगों ने याद रखना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन आता भी है कि अगर तो एक बंदे को हम कहते हैं राइट डोमिनेंट है, आप राइट डोमिनेंट क्यों कहेंगे, अगर तो पीडीए राइट क्रोनरी आर्टरी से निकले तो हम उस बंदे को कहेंगे राइट डोमिनेंट, लेकिन अगर पीडीए लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से निकले तो हम उसको कहेंगे लेफ्ट डोमिनेंट। लेकिन अगर पीडीए दोनों से निकले, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से भी निकले और राइट क्रोनरी आर्टरी से भी निकले, तो इस कंडीशन को हम कहते होते हैं कोडोमिनेंट। क्लियर हुआ बच्चों को, नहीं हुआ, कोडोमिनेंट। तो आपने कहना है कि पीडीए जिस आर्टरी से निकलेगी, अगर पीडीए आपकी, अगर पीडीए आपकी राइट क्रोनरी आर्टरी से निकलती है तो आपने क्या कहना है, एक तरह का आपने कहना है कि राइट डोमिनेंट। अगर पीडीए आपकी लेफ्ट क्रोनरी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से निकलती है तो आपने क्या कहना, लेफ्ट डोमिनेंट। लेकिन अगर पीडीए दोनों से निकलती तो फिर आपने क्या कहना, एक तरह का कोडोमिनेंट कहना है। तो देखें बच्चों जी यहाँ पे आप लोगों ने गौर करना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि राइट डोमिनेंट सर्कुलेशन 85% होती है जो कि पीडीए राइज फ्रॉम द राइट क्रोनरी आर्टरी। उसके बाद क्या है, लेफ्ट क्रोनरी डोमिनेंट क्या होती है, 8% होती है जो कि लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से निकलती है। लेकिन कुछ चांसेस के अंदर क्या होता है, कोडोमिनेंट जो कि जनाब दोनों से निकलती होती है, ठीक हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि हाँ जी जनाब आपका जो हार्ट होता है उसकी फिलिंग सबसे ज्यादा कब होती है, और भाई आप लोगों ने कहना है कि उस वक्त होती है जब हार्ट डायस्टोल में होता है, जब आपका रिलैक्स के अंदर होता है तब हार्ट के अंदर क्रोनरी सर्कुलेशन होता है पीक होती है, यानी कि आपकी सर्कुलेशन जो होती है पीक होती है, भी आपका एमसीक्यू कभी कभी आ जाता होता है। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछते जाना है, मैंने जो पढ़ाया है उसी में से क्वेश्चन है, आप लोगों ने मुझे आंसर बताना है, 3-4 मिनट है उसके अंदर आप लोगों के। अब आंसर की जो है ना वो जनाब मैं देखूं कि आप लोगों का चैट बॉक्स के अंदर ऐसे मैसेज आ रहे हैं, ऐसे मैसेज आ रहे हैं जैसे आपने मुझसे कर्जा लेना हो, ठीक हो गया। और जनाब कर्जा भी मिलियंस में है और आप लगे हुए, जनाब कर्जा तभी मिलेगा जब आप मैसेज करते रहोगे। तो अब देखो सबसे पहले मुझे अब आप लोगों ने बताना है कि अभी आपका क्वेश्चन मैसेज क्वेश्चन के अंदर से इंशाल्लाह हम आपका टॉपिक कंप्लीट करेंगे। आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि हाँ जी जनाब आपकी ये जो ब्रांचेस निकलती हैं किस जगह से निकलती हैं, पहले तो ये बताएं आपकी ये जो ब्रांचेस निकलती हैं वो किस जगह से निकलती हैं, आपकी ब्रांचेस आपने क्या कहना है, एओर्टिकल साइनस से, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये बताना है कि आपकी जो सबसे मोस्ट कॉमन जो वेसल्स होती है जो कि जनाब आपकी एक तरह की ओक्लूडेड होती है वो कौन सी होती है। हाँ जी आपकी मोस्ट कॉमन जो वेसल्स होती है जो कि ओक्लूडेड होती है लाडा होती है। उसके बाद आपने बताना है कि आपकी जो एक तरह की एक पेशेंट आपके पास आता है उसको हार्ट ब्लॉक है या आपका ब्रैडीकार्डिया है, उसके अंदर मोस्ट कॉमन जो वेसल इन्वॉल्व होगी वो कौन सी होगी, अगर ब्रैडीकार्डिया होगा या दूसरा होगा तो उसके अंदर कौन सी होगी, राइट क्रोनरी आर्टरी। अगर आपका ये पूछा जाए कि राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल को आपकी कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, शाबाश, लेफ्ट वेंट्रिकल की सरफेस को आपकी कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, तो आप क्या जवाब दोगे, शाबाश अरुण, आप लोगों ने लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो होगी वो जनाब आपकी लेफ्ट
मतलब के लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करेगी। अगर ये पूछा जाता है कि राइट वेंट्रिकल को कौन सप्लाई करेगी, तो आप लोगों ने कहना अक्यूट, हाँ जी लेफ्ट, आप लोगों ने कहना अगर फॉर एग्जाम्पल आपका एक तरह का अक्यूट मार्जिनल आर्टरी, गुड हो गया। अगर ये पूछा जाता है कि जो पीडीए होती है वो किसको सप्लाई करती है, तीन ऐसी जगह बता दें, तो आप लोग क्या बताओगे? शाबाश, आपके कौन से पेपरी मसल को सप्लाई करती होती है? हाँ जी आप लोगों ने ये बताना, पेपरी मसल्स कौन से होते हैं? पोस्ट्रो मीडियन पेपरी मसल्स, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है, आप लोगों ने कहना होता है कि हाँ जी ये जनाब आपकी जो मतलब के जो आपकी लाडा होती है, ये जनाब किसको सप्लाई करती होती है, ये कौन से पेपरी मसल को सप्लाई करती होती है? एंट्रोलेटरल पेपरी मसल्स, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना है कि आपकी जो पीडीए होती है वो कौन से नोड को सप्लाई करती होती है, शाबाश, जो पीडीए होती है वो कौन से नोड को सप्लाई करती होती है, तो आप लोगों ने कहना एवी नोड को सप्लाई करती होती है। अगर क्वेश्चन आता है कि तीनों वेसल्स ब्लॉक हो चुकी है और तीनों वेसल्स ब्लॉक है, आपके पास पेशेंट आता है, आप क्या करोगे? हाँ जी आप लोगों ने क्या कहना, आपने कहना जनाब कैबेज करोगे। अगर आता है कि पीडीए जो होती है वो किसकी ब्रांच होगी, तो उसकी बेस पर आप क्या कहोगे, उसकी बेस के ऊपर आप एक तरह का डोमिनेंट कहोगे, ठीक हो गया। माशाल्लाह लगे ना अच्छे पुत्र, इन्हें कहते ना हला, कहते ना हलाली परचम, आप हो हलाली बच्चे। कैबेज रिपीट कर दे, कैबेज का ये सीन होता है कि आप लोगों का बच्चों के अगर फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है ना, आपने देखी एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी के अंदर उनको तीन की तीनों वेसल्स इन्वॉल्व है उस बंदे की, जब किसी बंदे की तीनों वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं तो हम उसको क्या कहते होते हैं, ट्रिपल वेसल डिजीज। और ट्रिपल वेसल डिजीज के ऊपर कोई भी दवाई असर नहीं करती, कोई भी जनाब पीसीएस स्टेंट स्टेंट असर नहीं करता, आपने सिर्फ कैबेज करना होता है। आगे आ जाओ जी, अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं वह है जनाब आपकी फिजियोलॉजी। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, फिर हम इंशाल्लाह जो आपका थोड़ा सा पीछे पोर्शन रहा है उसको हम फिर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखो जी आपका स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा एक मेरी बात को गौर कर लीजिएगा, जिन बच्चों ने ये टॉपिक और ये टर्म्स याद कर ली ना, वो बच्चे सुखी हैं। वो कहते हैं ना तुझे सुखी जे, क्यों? क्योंकि ये जो टर्म्स हैं ये बार बार आनी है, ये बार 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 आनी है, तो इस वजह से जिन बच्चों ने ये टर्म्स याद कर ली हैं वो मैं कहता हूँ वो हीरो हैं, ठीक है। और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इतने प्यारे तरीके से समझाऊंगा कि आप लोग जैसे यहाँ से पढ़ उठोगे आप लोगों को याद होगी, 15 मिनट बाद अगर आपको याद नहीं रहती तो वो आपकी अपनी मर्जी है, फिर वो आपकी हड हरामी होगी, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने अपने जेन जो है वो खोल लेने हैं, और उसके बाद अभी जो आपका जो व्हाट्सएप है उसको जनाब आपने वो क्या होता है, हवा एरोप्लेन मोड शो जो होता है वो उसके ऊपर लगा के या जो भी कर देना है, जानू मानू को कहना है कि साइड पे हो जाएं। अभी हमारा जो अब्बा जी से मुलाकात का वक्त है, तो मैं पहले भी आप लोगों को कहता होता हूँ कि जब अब्बा जी से यानी कि मेरे साथ आपका मुलाकात का वक्त हो, तब आपने किसी को इंटरफेयर नहीं करने देना। कोई अगर आपका रूममेट है उससे आपने कहना है कि जनाब दरखास्त है आपसे कि आप एक दफा जो है वो बाहर बैठ जाए, या अगर आपने बैठना है आराम से बैठे चुप करके, लेकिन अंदर कोई ना किसी तरह की जो है ना कुसल मुसल नहीं करनी, ठीक हो गया, कोई बोलना शोलना नहीं है बस। तो अभी इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे, गौर से सुनना है, आपके सारे जो कंसेप्ट हम इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। देखिए बच्चों सबसे पहले जो कंसेप्ट हम कवर करेंगे वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम के। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि देखें ये फॉर एग्जाम्पल आपका हार्ट है, ये जनाब आपका एट्रियम और ये वेंट्रिकल है। ये जो आपका वेंट्रिकल होता है ना, ये जस्ट इमेजिन करेंगे आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट होने के नतीजे में जो आपका ब्लड बाहर निकलता है, इस ब्लड को हम क्या कहते होते हैं, एक तरह का स्ट्रोक वॉल्यूम कहते होते हैं। समझ आ गई जी? मतलब कि आप लोगों ने कहना है कि जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो और कॉन्ट्रैक्शन के दौरान में, एक कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान में आपका ब्लड जो होगा वो जितना बाहर निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, मुझे आप लोगों ने बताते जाना है। अब जस्ट इमेजिन करो बच्चों, अगर फॉर एग्जाम्पल इस बंदे का जो हार्ट है वो थोड़ा सा कम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन ये पर्सन बी है, इस बंदे का जो हार्ट है वो ज्यादा जोर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, जिस बंदे का, किस बंदे के अंदर वॉल्यूम ज्यादा जोर से बाहर निकलेगा ये बता दे। जिस बंदे का जो वॉल्यूम होगा वो ज्यादा जोर से बाहर निकलेगा उस बंदे के, कौन से आपका, शाबाश, बी वाले बंदे के अंदर, क्यों? जिसकी कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो आप लोगों ने ये अंदाजा लगा लिया कि जितनी कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी उतना जो वॉल्यूम होगा वो आपका
बाहर निकलेगा। अब देखें कि आप लोगों ने कहा, आप लोगों से अगर बंदा ये पूछता है कि अगर किसी बंदे का स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा हो तो स्ट्रोक वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन के साथ क्या तल्लक होगा, डायरेक्टली रिलेशन होगा या इनवर्सली रिलेशन होगा? शाबाश, अगर एक बंदा आपसे कहता है तो आपने कहना डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब दूसरी बात, आप लोग देखो ये पर्सन ए है बच्चों, ये पर्सन ए है, इस पर्सन ए के अंदर कितना है, इस पर्सन ए के अंदर 100 ml ब्लड है, यहाँ पे फ्लूड है, ठीक हो गया। और पर्सन बी जो है उसका यहाँ पे जनाब आपका 150 ml फ्लूड है। अब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, किस पर्सन के अंदर जो फ्लूड है वो ज्यादा बाहर निकलेगा ये बता दें? शाबाश, किस पर्सन के अंदर जो फ्लूड होगा वो ज्यादा बाहर निकलेगा? तो आप लोगों ने कहना कि भाई बी के अंदर। तो बी के अंदर क्यों? क्योंकि वहां पे जनाब फ्लूड पहले ज्यादा पड़ा हुआ है। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना है। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो फ्लूड यहाँ पे पड़ा हुआ है ये कॉन्ट्रेक्शन से पहले है या कॉन्ट्रेक्शन के बाद में, ये बताइए। हाँ जी, ये जो फ्लूड यहाँ पे पड़ा हुआ है ये कॉन्ट्रेक्शन से पहले है कि कॉन्ट्रेक्शन के बाद में है? अभी आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ये कॉन्ट्रेक्शन से पहले है। और वो फ्लूड जो आपके वेंट्रिकल के अंदर पाया जाए बिफोर द कॉन्ट्रेक्शन, उस फ्लूड को हम क्या कहते होते हैं? उस फ्लूड को हम कहते हैं प्रीलोड, उस फ्लूड को हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक हो गया। ये याद कर लें, ले अभी आपकी प्रीलोड की टर्म भी याद हो गई, आपकी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की टर्म भी याद होगी। तो आप लोगों को पता चल गया कि प्रीलोड क्या होता है और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है। आप लोगों ने क्या याद क्या रखना है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि द वॉल्यूम विच इज प्रेजेंट इन टू द हार्ट बिफोर द कॉन्ट्रेक्शन इट इज नोन एज अ प्रीलोड या एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो बच्चों ये भी हो गया। अब मेरी बात को गौर करना है, आपका यहाँ पे एक फोर्स होती है, उस फोर्स को हम कहते होते हैं आफ्टरलोड। ये आफ्टरलोड का मेन काम पता क्या होता है? आफ्टरलोड का मेन काम ये होता है कि आपके वॉल्यूम को बाहर निकलने ना दे। अब जस्ट इमेजिन करें, अगर आपका आफ्टरलोड कम होगा तो वॉल्यूम ज्यादा बाहर निकलेगा या कम बाहर निकलेगा, जल्दी बताते हैं। शाबाश, अगर आपका आफ्टरलोड कम हो जाए तो अगर वॉल्यूम ज्यादा बाहर निकलेगा, और जब आपका वॉल्यूम कॉन्ट्रेक्शन के साथ ज्यादा बाहर निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर आपसे बच्चों कोई बंदा ये पूछता है कि हाँ जी जनाब कोई तीन ऐसे फीचर्स बता दें जिस कंडीशन में जनाब आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता होगा, तो आप लोग क्या बताओगे? हाँ जी, कोई ऐसी तीन चीजें बता दें जिस कंडीशन के अंदर जनाब आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो बढ़ता होगा, तो वो तीन क्या बताओगे? तो आप लोगों ने कहना है कि प्री लोड के ज्यादा होने की वजह से, कॉन्ट्रेक्शन के ज्यादा होने की वजह से, और आफ्टर लोड के कम होने की वजह से आपका क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वो एक तरह का बढ़ता होता है। अब देखें, जो प्री लोड होता है वो जनाब किस किस में बढ़ता होता है? एक होता है फिजियोलॉजिकल प्री लोड बढ़ता होता है, वो किस में बढ़ता है? बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि फिजियोलॉजिकली जो प्री लोड आपका ज्यादा बढ़ता होता है, फिजियोलॉजिकली जो आपका प्री लोड जो होता है वो आपका जो ज्यादा बढ़ता होता है वो जनाब आपने कहना प्री लोड नहीं, ये आपका कॉन्ट्रेक्शन ही प्री लोड की बच्चे बात कर रहा हूं। तो प्री लोड फिजियोलॉजिकली जिसमें बढ़ता होता है वो होता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर आपकी बॉडी के अंदर फ्लूड ओवरलोड हो जाता है, फ्लूड ज्यादा होता है, ठीक हो गया ना। तो प्रेगनेंसी के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये पूछ सकते होते हैं कि हां जी जनाब विच ऑफ फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द इंक्रीज ऑफ द प्री लोड? तो आप लोगों ने कहना है प्रेगनेंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंक्रीज ऑफ द प्री लोड, ये आपको समझ आ गई। अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल आए कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी किसके अंदर ज्यादा होती है, तो बच्चों आपने कहना है कि एक्सरसाइज हो गया, आप लोगों ने कहना है कि एंग्जाइटी हो गया, ठीक हो गया। मेरा आज दिल कर रहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि हां जी जनाब ये जो टेंशन होती है, टेंशन की वजह से क्या ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, हमें ड्रामे होते हैं। तो इंशाल्लाह होप्स अभी थोड़ी देर में शायद मैं वीडियो अपलोड करूँ वो के